सरोकार। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ने ऊर्जा नीति पर जारी की बुकलेट, ऊर्जा नीति के बारे में दी जानकारी। रामपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। औरैया में विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। आजमगढ़ में बीसी महिला उत्थान समिति ने की नारेबाजी, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। देवरिया में मिली पुलिस को सफलता, पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। प्राइम उत्तर प्रदेश, तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे, जहां सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरते हुए जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पहले सत्ता प्रायोजित अपराध होते थे, अन्नदाता अपने खेतों में नहीं जा पाते थे। साथ ही कहा कि पहले गुंडा टैक्स की वसूली की जाती थी, लेकिन अब नहीं। सीएम ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, पहले बहन बेटियों स्कूल नहीं जा पाती थी, अब बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सपा का शासन तालिबान जैसा था, तो वहीं सीएम ने सपा पर जमकर तंज कसा। यहां के उन शहीदों के गौरव की रक्षा भी करनी है और साथ साथ राजनीतिक अपराधीकरण न होने पाए, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होना ही चाहिए, यह भी संकल्प हम सबका होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये पेशेवर माफिया और अपराधी अगर राजनीति में हावी होंगे तो याद रखना कि ये लोग आम नागरिक का और व्यापारियों का जीना हराम कर देंगे, व्यवस्था को पूरी तरह माफियाकरण कर देंगे। ये लोग सपा शासन काल में जिस प्रकार की नंगा नाच करते थे, नंग तांडव करते थे, उस प्रकार की कृत्य करने लग जाएंगे। हर हाल में इनको रोकना है, किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए और बाकी आप हिम्मत से काम लीजिए, बाकी जो कुछ बचा होगा वो हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। लखनऊ में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ऊर्जा नीति पर बुकलेट जारी किया। आपको बता दें कि इससे प्रदेश में संचालित होने वाले जैव ऊर्जा, सोलर ऊर्जा की नीति के बारे में जानकारी मिलेगी। इस नीति के तहत मिशन मोड पर 75 जनपदों में 75 घंटे काम होगा और वहीं कूड़े के संवेदनशील स्थानों पर गार्बेज पूरी तरह से विलुप्त भी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका आग्रह रहा है और पूरे विश्व को उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारतवर्ष हमारी अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोतों में बहुत ही अच्छा काम करेगा और उस दिशा में भारत सरकार के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें अतिरिक्त ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस कार्य में और गति देने के लिए, इसे और शेप देने के लिए पिछले दिनों हमारे विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी के मंत्रिमंडल के मंजूरी से हमने नई जैव ऊर्जा नीति और नई सौर ऊर्जा नीति बनाई है। रामपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंचे, जिसके बाद चंद्रशेखर अंबेडकर पार्क गए। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अंबेडकर की मूर्ति को फूलमालाएं पहनाई गई। आपको बता दें कि प्रत्याशी आसिम राजा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने वोट मांगे और इसके साथ ही सपा नेता आजम खान के आवास भी पहुंचे और उनका हालचाल जाना। रामपुर से ही ब्लास्ट हवा चलेगी और खतौली में भी माहौल अच्छा है, मैनपुरी में भी अच्छा है और अभी यहाँ रामपुर से भी पहले से आजम खान जी यहाँ मेहनत। अरे यार मोबाइल आ रहा है, किसका डंडा?
रामपुर में जो कमी खामी चुनाव को जीतने में उसको पूरा करेंगे। आपको पता है आजम खान सजा याफ्ता है, इन दिनों उन पर सजा हो गई हेट स्पीच के मामले में, तो इसका आप कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी, इसी सरकार ने मेरे ऊपर राशुका लगाई। ये दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसमें भरोसा नहीं रखती है, हमेशा से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। उसी के परिणाम है कि जो लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको अरे यार इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आज संविधान बचाने की लड़ाई है, और जहां भी अन्याय होगा वहां चंद्रशेखर आजाद बीमार में आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। आजमगढ़ में बीसी महिला उत्थान समिति की जिला अध्यक्ष नंदिनी के नेतृत्व में बीसी सखियों ने 9 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को सौंपा। इस दौरान बीसी सखियों ने हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। सखियों ने कहा कि समस्याओं के लिए ना तो शासन गंभीर है ना ही जिला प्रशासन, जिसके चलते गाँव में कार्य करने के लिए हम सखियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें जिला प्रशासन अभी तक उदासीन बना हुआ है, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संगठन की जिला सचिव प्रीति ने बताया कि हमारी 9 सूत्री मांगों में बीसी सखियों के कार्यों के लिए शासनादेश को जनपद स्तर पर लागू किया जाए। से है नंदिनी नाम है, आए हैं यहाँ पे हम लोग अपनी मांग को लेकर के लिए। हम लोग पहला ज्ञापन दिए हैं डीएम साहब को, उन्होंने कोई आश्वासन दे देकर ऐसे भेज दिया है। फिर हम लोग आए हैं कमिश्नर साहब के यहाँ, इनके हम लोग कमिश्नर दे करके हम लोग यहाँ चले आए हैं। अब यहीं से हम लोग अपनी मांगे शुरू करेंगे, मांगे पूरा होने के बाद फिर हम लोग अपने घर बैठेंगे। अगर नहीं देंगे हम लोग फिर धरना पूरी करेंगे। इसमें समस्याएँ इतनी है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ना कोई पैसा है ना कोई लेन ना देन, हम लोग भी फोकट का अपना काम करते हैं। कितने दिनों से आपकी ये मांगे नहीं सुनी? हम लोग का 1 साल से मांगे नहीं सुनी जा रही है, 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग घर घर जा करके काम करते हैं। खबर औरैया से है, जहां अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत उनकी मांगे आज तक नहीं मानी गई, इसलिए उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं होगा। विभाग के कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी भी की गई। हम लोग कल से धरने पर बैठे थे और कल से ही हमने सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी कर्मचारीगण यहां पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल मसाल जुलूस भी शाम के 5 बजे पर हुआ था और कार्य बहिष्कार कल से ही स्टार्ट हो गया है। हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, प्रबंधन के सम्मुख पटल पर ये रखी गई हैं। उन मांगों पर जब तक कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसी तरीके से बहिष्कार करेंगे। देवरिया में बरियारपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी के लिए कई हथकंडे अपनाए थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर सरोरा चौराहे के पास एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध शराब को कब्जे में लेते हुए आरोपी के ऊपर कार्रवाई के है कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी भी की गई। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि निरोगी हरियाणा योजना आज से शुरू कर दी गई है और इसका विविध शुभारंभ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र से कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें लाखों लोगों को अपने स्वास्थ्य जांच कराने में आसानी होगी और साथ ही केंद्र द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। मंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे जनसेवक हैं जिन्होंने पहली बार देश के गरीब जनता के बारे में सोचकर स्वास्थ्य को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। पिछली सरकारों ने आम आदमी के बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया था।
आज हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा लागू निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हरियाणा के उन तमाम परिवारों को जिनकी आमदनी साल में 1,80,000 है, उनका साल में दो साल में एक बार उनके स्वास्थ्य की मुफ्त में जांच होगी, यानी कि निशुल्क जांच होगी। हरदोई में कटरा बिल्होर हाईवे पर सहीजना गांव के पास कंटेनर से दबकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि सीओ और पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई में मझीला थाना क्षेत्र के ग्राम हाथीपुर निवासी घर से जनसेवा केंद्र के लिए निकले थे। वे घर से 3 लाख रुपए लेकर बाइक से जनसेवा केंद्र आ रहे थे, तभी अचानक एक बाइक पर सवार 3 बदमाश पीछे से आए और उन्होंने तमंचे की बट से राहुल के सिर पर वार कर दिया और 3 लाख की नकदी को बैग से छीनने लगे। युवक ने विरोध किया तो बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। दहशत में युवक ने बैग छोड़ दिया। बदमाशों ने युवक को लहूलहान करके बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपने गांव हाथीपुर से आज ही सेशन ग्राहक सेवा के बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आ रहे थे, तभी रास्ते में कटमा के आगे 3 बाइक सवार हमारे पीछे से आए। उन्होंने हमारे चेहरे पे रॉड मार दिया और 3 फायर किए और हमसे बैग छीन लिया, जो कि उसमें 3,10,000 रुपये था और लैपटॉप था, फिंगरप्रिंट डिवाइस थी और बैंक के कागजात थे और चीज़ें थी। बाइक मोटरसाइकिल की चाबी थी, वो भी हमसे ले ली और 2-3 जगह रॉडे मारी लेके आज स्टेशन तरफ भाग गया। थाना शाहबाद के हाथीपुर के रहने वाले हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं और उसमें बैंकिंग का भी काम करते हैं। इनके द्वारा कल शाम को बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकाले गए थे। आज एक बैग में पैसे रख करके वो जा रहे थे अपने केंद्र की ओर। इनका कहना है कि पीछे से 3 लोग बाइक सवार आए और इनके सर पर कुछ डंडे ऐसा मारा है, इनके सर में चोट आई और बैग इनका छीन करके भाग गए रांची स्टेशन की ओर। अभी इनके हालत ठीक है और हम लोग बाकी पड़ताल कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के अंतर्गत ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों के ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर गुमशुदा बालक और नाबालिग लोगों की बरामदगी के संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी प्राची सिंह द्वारा से ने बात कही। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पूर्वी जोन लखनऊ कमिश्नरेट में एक स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसके तहत 363, 364 और 366 में जो भी लोग गुमशुदा हुए हैं उनको जो है बरामद किया गया। इसमें हम लोगों ने अभियान चला के कुल 284 लड़के लड़कियों को बरामद किया है, जिसमें कई नाबालिग हैं और कुछ बालिग हैं। इसमें सर्किल वार अगर देखा जाए तो गोमती नगर सर्किल से 93, विभूतिखंड सर्किल से 70 और कैंट सर्किल से 121 लोगों को बरामद किया गया है। आगे भी हम लोग इसी प्रकार से अभियान चलाते रहेंगे और साथ कुशल बरामदगी करेंगे। इसमें कई केसेस ऐसे हैं जो बहुत पुराने भी थे, 2015, 16, 17 के भी केसेस हैं जो अनबक्ड आउट रखे हुए थे। उसमें स्पेशल टीम्स को लगा के इन बरामदगी को किया गया है और इसके अलावा भी और जो अन्य थाने हैं जिनमें अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, उसमें भी हम लोग एम्फेसाइज करा के इसमें आगे और बरामदगी करवाएंगे। गाजियाबाद में पुलिस ने नाम बदलकर ठगी करने वाले फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कस्टम इंस्पेक्टर का कार्ड देखने के बाद लोगों को लगता था कि वह वाकई कस्टम विभाग में है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वह ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं।
कविनगर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती को आरोपी ने सोशल साइट के जरिए पहले खुद को कस्टम इंस्पेक्टर बताया और शादी का झांसा देकर उससे बीमारी के इलाज के नाम पर तकरीबन 19 लाख रुपए हड़प लिए। लड़की को जब अपने साथ हुई जालसाजी का पता चला तो उसने सोमदत्त से पैसे वापस मांगे, जिसके बाद आरोपी ने युवती के वीडियो वायरल कर उस पर एसिड अटैक की भी धमकी दी। तो वहीं युवती के परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के निर्देशानुसार थाना कविनगर और हमारी टीम द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सोमदत्त कौशिक है। और इससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर बनकर जो भोले वाले लोग हैं उनको शादी के झांसे में फंसाया करता था और फिर उसी के बहाने उनसे पैसों की ठगी किया करता था। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साथ।